लोग मुद्दा उठाते थे और सरकार जबरदस्ती सदर चलाती थी। शोर शराबे में बिल पास हुआ करते थे, प्रश्नकाल हुआ करता था, जीरो आवर हुआ करता था। 11 बजे हम मिलते हैं, 5-10 मिनट औपचारिक बात होती है, उसके बाद स्थगित हो जाता है। जब विपक्ष अपनी बात करती है, अपने मुद्दे उठाते हैं और मौका नहीं मिलता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, पर जबरदस्ती शोर होने के बावजूद चर्चा चलती है, सदन चलाया जाता है। पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूं सरकार खुद हंस रही है। वो आते हैं स्थगित कराने के लिए, हम जाते हैं मुद्दे उठाने के लिए। ये वॉशआउट इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार चाहती है कि संसद न चले। पहली बार मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव पिछले 20 साल से रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार खुद नहीं चाहती कि संसद चले। सोमवार को स्थगित हुआ, मंगलवार को सत्र नहीं था, बुधवार को स्थगित हुआ, गुरुवार को स्थगित हुआ, शुक्रवार को स्थगित हुआ। विपक्ष क्या मांग रही है? हम चाहते हैं कि इस अडानी के जो रिश्वत को लेकर अमेरिकी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आई है, जो एक जो जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो जो वर्डिक्ट आया है, इंडक्टमेंट हुआ है कोर्ट में, उस पर हम चर्चा करें। हम चाहते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, हम चाहते हैं कि संबल और अजमेर पर चर्चा हो। हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम चाहते हैं बहस हो, पर पहली बार मैं देख रहा हूं, पिछले सत्र में तो हम लोग मुद्दा उठाते थे और सरकार जबरदस्ती सदर चलाती थी, शोर शराबे में बिल पास हुआ करते थे, प्रश्नकाल हुआ करता था, जीरो आवर हुआ करता था। अभी देखने को मिल रहा है कि 11 बजे हम मिलते हैं, 5-10 मिनट औपचारिक बात होती है, उसके बाद स्थगित हो जाता है। ये तभी संभव होता है जब सरकार पूरा सहयोग दे रहा इस स्थगित करने के लिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुद्दों पर चर्चा हो, पर पहली बार मैं देख रहा हूं एकदम जब हम उठ जाते हैं तो सदन स्थगित किया जाता है। तो ये बड़ा मुझे तो आश्चर्य होता है और मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ये सरकार। एक ही जवाब तो एक ही है, सरकार अडानी पर चर्चा नहीं चाहती, मोदी सरकार मणिपुर चर्चा नहीं चाहती, मोदी सरकार यो जो सांप्रदायिक स्थिति है अभी अलग अलग राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, उस पर चर्चा नहीं चाहती। क्यों भाग रही है और क्यों तुरंत स्थगित करवा देती है? देखिए, ये सदन का स्थगित होना सरकार के अनुमति के बिना असंभव है। तो और राज्यसभा में तो हमारे आंकड़े भी नहीं है, हमारे मुश्किल से 40-50 लोग हैं और उनमें से भी कई लोग आते नहीं है, पर लोकसभा में तो हमारे संख्या है, तृणमूल की संख्या है, हमारे कांग्रेस पार्टी की संख्या है, डीएमके की संख्या है, वहां मैं समझ सकता हूं, पर वहां भी 5-10 मिनट के बाद सदन स्थगित किया जाता है। तो ये समझने वाली बात है, ये वॉशआउट क्यों हो रहा है? ये वॉशआउट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, पर उससे भागने के लिए तुरंत एकदम बिना कोई विलंब के सदन को स्थगित किया जाता है। मतलब होगा कैसे, क्या कैसे, क्योंकि अब आज हम बात कर रहे हैं, कल से फिर जो है सत्र का नया जो हफ्ता है वो शुरू। देखिए, हमने कहा है हम बहस चाहते हैं, सरकार 16 विधेयक लाई है, बिल लाई है, एक तो जेपीसी को रेफर हुआ था, अभी उस जेपीसी को एक एक्सटेंशन मिल गया है, वो वक्फ बिल नहीं आने वाला है इस सत्र में, तो 15 बिल रह गए। हम चाहते हैं, ये सरकार का काम है सदन चलाना, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का कर्तव्य बनता है, विपक्ष का धर्म है कि जनता के मुद्दे उठाना, और सरकार का धर्म बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलाए। सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पर जब सरकार नहीं चलाना चाहती है हम भी मजबूर हो जाते हैं। हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, और ये नोटिस हम रूल के तहत दे रहे हैं, अलग अलग रूल के तहत हम दे रहे हैं।
वो मांग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पर ठीक है। पिछले 20 साल में मैंने देखा है, खास तौर से पिछले 10 साल में, जब विपक्ष अपनी बात करती है, अपने मुद्दे उठाते हैं और मौका नहीं मिलता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, पर जबरदस्ती शोर होने के बावजूद चर्चा चलती है, सदन चलाया जाता है, बिल पास होते हैं, प्रश्नकाल होता है। पर पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूं सरकार खुद हंस रही है, सरकार के चेहरों, मंत्रियों के चेहरों में, संसार बीजेपी के सांसदों के चेहरे में एक मुस्कुराहट है। माने वो आते हैं स्थगित कराने के लिए, हम जाते हैं मुद्दे उठाने के लिए।